आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैगी नूडल्स बनाएंगे बहुत डिफरेंट तरीके से, थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल से बनाएंगे। स्पाइसी भी होगा इसमें, वेजिटेबल्स भी होंगी, चिकन भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। देखिए, मैंने बॉइल्ड वाटर में 3 पैकेट मैंने मैगी नूडल्स के डाले हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। एक साइड से जब ये हो जाएंगे तो हम इसको साइड से खोल लेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि ये टूटे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसको हम चाउमीन की तरह बनाएंगे और स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे, तो इसलिए जो है इसको हम कोशिश करेंगे कि ये टूटे नहीं बिल्कुल। देखें, इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे ताकि ये लंबे लंबे इसके इस तरह से रहें। और इसको हम 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना नूडल्स जो हैं वो चिपकने लगती हैं, सॉगी हो जाती हैं, और उसके फिर जब हम अपनी रेसिपी तैयार करेंगे तो उसको वो बिल्कुल चिपकी चिपकी लगेगी, सॉगी सी। ये देखिए, मैंने इसको बॉईल करके ठंडे पानी में वॉश कर लिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ऑयल लगाए दे रही हूँ। ठंडे पानी में इसलिए वॉश कर लेते हैं कि इसका जो है कुकिंग का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, इसके अंदर मैंने लगा दिया है। अब हम सारे स्पाइसेस और सॉसेस इसी में मिक्स कर लेंगे। देखिए, 3 पैकेट मैं मैगी मसाले के इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हम उसमें डाल के और बार बार उसको चलाएंगे और मिक्स करेंगे तो मैगी जो है ओवर कुक हो जाएगी और वो फिर चिपकने लगेगी, तो हम जो रेसिपी बनाना चाह रहे हैं वो उसका मज़ा नहीं आएगा फिर। इस तरह से हम देखें, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं ये। अब हम इसके अंदर इस बाकी जो है सॉसेस वगैरह स्पाइसेस मिक्स कर लेंगे। देखें, 2 टेबलस्पून में हॉट सॉस मिक्स कर रही हूँ उसके अंदर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस मिक्स कर रही हूँ उसके अंदर, और 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस मिक्स कर रही हूँ, और 1 पैकेट में जो हूँ मैगी मसाले का और मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हम स्ट्रीट स्टाइल में बना रहे हैं, थोड़ी स्पाइसी होती है और हमारे अपने फ्लेवर भी जो होते हैं ज़बान के वो थोड़े से स्पाइसेस वाले होते हैं, तो इसलिए हम इसको करके और सारा मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि मज़ीद हमारी मैगी जब हम उसको मिक्स करें आगे जाके तो हमारी मैगी जो है मज़ीद ना पकाना पड़े हमें। देखिए, मैं 2 टेबल स्पून तकरीबन इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें और गार्लिक लिया है मैंने, 8 से 10 जब है इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो एटलीस्ट 3 to 5 मिनट वॉच किया करें, फिर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। देखिए, हमारे थोड़ा सा हमने इसको सौते कर लिया है। अब ये मैंने चिकन जो है बारीक छोटा छोटा बारीक स्ट्रिप्स में काट के रखा था, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। चिकन आपकी मर्जी है, आप चाहें डालें आप चाहें ना डालें, क्योंकि मोस्टली जो है स्ट्रीट स्टाइल में कुछ लोग पसंद करते हैं चिकन की, कुछ लोग सब्जियां सिर्फ पसंद करते हैं, तो बच्चों को चिकन पसंद है इसलिए मैं इसमें चिकन ऐड करे दे रही हूँ। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो वेजिटेबल्स की भी बना सकते हैं और चाहें तो आप सिर्फ चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इन्हीं मसालों के हिसाब से, क्योंकि हम उसमें मैगी मसाले के 4-4 पैकेट मिक्स कर चुके हैं, तो उसमें अच्छे खासे स्पाइसेस और नमक सब कुछ होता है वो हम उसमें जा चुका है उनके हिसाब से, तो मैंने सिर्फ 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है वेजिटेबल्स और चिकन के हिसाब से। थोड़ा सा हम चिकन को पकाएंगे 1 मिनट तक ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये देखें, 1/2 स्लाइस अनियन के मैंने काट के रखे हैं बारीक, उसको मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, बहुत ही टेस्टी बनती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको बड़े शौक से खाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे चाउमीन बनी हुई है, वो स्टाइल आएगा इसके अंदर और टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है। देखिए, थोड़ी सी मैं इसके अंदर गाजरें बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर कैबेज थोड़ी सी। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे सब्जियों को, हल्का हल्का पकाएंगे। सब्जियां आपके ऊपर है, आपके पास जो हो डाल दें वो। देखिए, हो चुकी है, अब हम इसके अंदर मैगी नूडल्स जो हैं इस तरह से थोड़े से बस ऐड करके और हम सिर्फ मिक्स करेंगे इसको हल्का सा, क्योंकि
ऑलरेडी हमारा हो चुका है, पका चुके हैं हम इसको। आपको पता है नूडल्स को बहुत ज़्यादा कुक करने से फिर वो जो है चिपकने लगती है और बहुत ज़्यादा सॉगी सी हो जाती है, और हमको रखना है बिल्कुल इस तरह से खिले खिली बहुत ज़बरदस्त से। अब इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्पाइसेस सॉस वगैरह मज़ीद ऐड करना तो कर ले, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई इसलिए मैंने नहीं किए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें अपने हिसाब से डाल चुकी हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आया है, और आप यकीन माने जितनी दिखने में ज़बरदस्त लग रही है उतनी ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।